जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सभी लड़के सभी लड़कियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है बीएसएफ कांस्टेबल के अंतर्गत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अब आ चुकी है करीबन 10,000 के आसपास वैकेंसी बीएसएफ कांस्टेबल के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि अभी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्ती आई थी 2788 की करीबन पोस्ट, जो 3,000 के नियर अबाउट थी, उसके बाद जो आने वाली है बीएसएफ के अंतर्गत जो वैकेंसी, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये पहली बार है कि कोरोना लॉकडाउन के बाद इतनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी बीएसएफ के अंतर्गत, जो सिर्फ मात्र 10th+ है, ठीक है, यानी 10th पास है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बता दूँ कि इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता चल जाएगा, भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी, साथ ही साथ ये 10वीं पास है, ठीक है। और आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इनमें जरूरी क्या होता है, ठीक है, और क्या खास बात है, ठीक है। सबसे पहले बता दें कि 10th पास जितने भी बीएसएफ कांस्टेबल की भर्ती आने वाली हैं या आ रही हैं, उसके लिए आपको पहले सबसे पहले रनिंग, यानी इसमें सबसे पहले दौड़ होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है, या ट्रेड टेस्ट नहीं होता है तो कांस्टेबल के हाइट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, ठीक है, हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह, उसके बाद आपका एग्जाम होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। और खासतौर से अगर आप भी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं 10th पास, तो इस चुपचुप पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक घर बैठे मंगा के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और ये मार्केट में भी अवेलेबल है, किसी भी बुक स्टॉल पे जाएंगे या ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाके वहां से परचेज कर लेंगे, ठीक है, और आप घर मंगा के आसानी से अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सारा सब कुछ शामिल किया गया है, ये बुक अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, और इसमें विषय सूची में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, करेंट अफेयर, जनरल रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज सब कुछ शामिल किया गया है, ठीक है, सब कुछ शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रनिंग, डॉक्यूमेंट, ट्रेड टेस्ट, एग्जाम, मेडिकल, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर घर पे आता है या तो ऑनलाइन भी चला आता है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लड़कों और लड़कियां दोनों के लिए आती है बीएसएफ कांस्टेबल के अंतर्गत, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसका मैं कुछ और प्रोसीजर पहले बता दूं, उसके बाद लास्ट तक आपको अप्लाई की डेट बता दूंगा, ठीक है, कि कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा बीएसएफ कांस्टेबल के अंतर्गत, ठीक है। लड़कों के लिए आएगा, लड़कियों के लिए आएगा, करीबन 10,000 के आसपास पोस्ट आएगा। सभी को पता होता है कि जब भी बीएसएफ निकालती है तो 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 यहीं तक पोस्ट निकालती है, लेकिन इस कोरोना लॉकडाउन के बाद आपको 10,000 के आसपास पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें सैलरी तो आप लोग को पता है, सैलरी तो बहुत अच्छी है, 28 से 60 हज़ार के बीच में, और ये प्रमोशन होने के बाद बढ़ती जाती है, तो इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। रही बात उम्र की, तो उम्र में आपको 18 से 23 साल तक का रहता है, ठीक है, साथ में उसमें 3 साल ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल ऐसे करके छूट मिलता है, तो लेके 28 साल तक हो जाता है। हाइट आपको बता दूं, हाइट कम से कम आपका 1.70 ओबीसी वालों का होना चाहिए, और जनरल में जो कैटेगरी में आते हैं ये लड़कों का है, ठीक है। उसके बाद जो लड़कियों का होता है 157 के आसपास इसमें हाइट मांगी जाती है सेंटीमीटर, इस बात को याद रखिएगा। ये लड़के लड़कियों के हाइट के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपको बता देता हूँ। रनिंग आपको पहले 5 किलोमीटर दौड़ना रहता है, और नॉर्मल एक बस आपका हाई जंप लॉन्ग जंप होता है और कुछ खास नहीं होता है। 5 किलोमीटर 24 मिनट के आसपास समय दिया जाता है 5 मिनट के लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट चेक होता है दौड़ निकालने के बाद, 10th का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल आधार कार्ड, आय जाति निवास जो भी आप लगाए रहते हैं वो, ठीक है, छूट लेने के लिए। उसके बाद जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है उसमें आपका कुक का सर्टिफिकेट, सफाई का सर्टिफिकेट, जो भी आप सर्टिफिकेट लगाए रहते हैं वो होता है, नहीं तो अगर ये ट्रेडमैन की नहीं होती है, कांस्टेबल की होती है, तो बस आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है, हाइट, चेस्ट लेंथ, ये सब चेक होता है, ठीक है। उसके बाद जब एग्ज़ाम देने की बात आ जाती है तो एग्ज़ाम में जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इसके प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी मैंने अभी आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक है, जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल में आपका क्या होता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। मेडिकल में सब कुछ आपको चेक किया जाता है, ठीक है, और ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पर आता है। तो मेडिकल में सब कुछ आपका बॉडी का हर एक पार्ट चेक किया जाता है, तो
मेडिकल पे मैंने वीडियो पहले भी बनाई है, जाके वहाँ से आप मेडिकल पे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कि मेडिकल में क्या क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। और उसके बाद आपको बता दें कि ये तो खास था, ठीक है, और इसके बाद ये मैंने सारा सलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद बता देते हैं और क्या खास है। हाँ, इसकी साइट पर अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी, तो मैंने सबसे पहले आप लोग को सूचना दे दिया था, ठीक है, तो लड़कों ने इसका फॉर्म भी भर दिया है, और अभी इसकी लास्ट डेट बीती नहीं है, इसमें है, तो अभी अब तक आपने BSF कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन का फॉर्म नहीं भरा है, तो जाके भर लो। उसके बाद और यहाँ पे जो वैकेंसी की डेट आ रही है, ये आपको 5वें से 6वें महीने के आसपास यहीं पे नोटिफिकेशन दिखेगी आपको लगी हुई, ठीक है, ये ग्रुप सी के बाद, ठीक है। तो इसकी अप्लाई जब स्टार्ट होगा तो उसकी सूचना हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। उसके लिए सिंपली वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे कॉर्नर में एक बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए, ताकि डिफेंस की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज कंपटीशन भी चलता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, आप भी अगर पढ़ाई करते हैं तो GK GS के लिए क्विज लगाने के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।